हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर अमित। और आज फिर से एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ आपके लिए। किस चीज़ का? दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि मैंने पैकेज खुला ही छोड़ दिया था, तो ये चिप्स बेकार हो जाएगा। आज मैं जो चीज़ अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वो एक प्लास्टिक हिट सीलर है जो आज मुझे डिलीवर्ड हुआ है, तो आज उसी को अनबॉक्सिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसे मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे 230 रुपये में मिला, जिसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूडेड है। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इसे। तो ये रहा वो प्रोडक्ट। इसका नाम दिया हुआ है कोडिया टाइप मिनी सीलिंग। प्रोडक्ट तो चाइनीज लग रहा है, हाँ, मेड इन चाइना है। अभी खोल के अंदर देखते हैं क्या है। पैकेट वैकेट कुछ नहीं है, सिर्फ सीलर है। क्वालिटी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, पर काम अच्छा हो तो सब कुछ चलेगा। दो हीटिंग पॉइंट है जिससे हीट तैयार होता है और प्लास्टिक को सील करता है। इसमें बैटरी नहीं दिया हुआ है, दो पेंसिल बैटरी इसमें लगेगा और एक काम करना चालू हो जाएगा। इसमें पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, हो सकता है माउंट करने के लिए किसी लोहे के ऊपर। तो अभी हम देखेंगे कैसे हम लोग सील कर सकते हैं किसी भी प्लास्टिक को। उसके लिए हम लोग पहले बैटरी को अंदर घुसा देते हैं। अभी मशीन पूरा तैयार है सील करने के लिए। पहले थोड़ा सा प्री हीट कर लेते हैं मशीन को। अभी ट्राई करेंगे सील करने के लिए। इससे पहले इसे पूरी तरह से कट कर लेते हैं ताकि अटक ना जाए कहीं पे। पैकेट अभी पूरा खुला हुआ है, अभी इसे सील करेंगे हम लोग। अभी सीलिंग प्रोसेस चल रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हो ये पूरी तरह से सील हो चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। मेरा रिव्यू अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर वीडियो बुरा भी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्यों बुरा लगा है मुझे, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय दोस्तों।